हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वीजे ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और हमारे वीडियोज़ को इन्जॉय कर रहे होंगे। टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो जो है वो एसी कंट्रोल्स के बारे में है। टाटा पंच में जो हमें एसी मिल रहा है उसमें जो बटन्स दिए गए हैं वो कैसे काम करते हैं, यानी कि जो कंट्रोल बटन है एसी के वो कैसे काम करते हैं, इसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, पंच के लोअर वेरियंट्स में हमें कुछ ऐसा एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये मैनुअल कंट्रोलिंग इसमें हमें करनी होती है सारी की सारी। तो जब भी आप एसी ऑन करें, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी जो है कि आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर आप गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे तो इसकी बैटरी पर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। और गाड़ी स्टार्ट करके ही आप एसी का यूज कीजिए, और एसी का आप उतना ही यूज कीजिए जितना आपको आवश्यकता है। यदि आप गाड़ी को हीट कर रहे हैं, हीट हो जाए तो इसका हीटर बंद कर दीजिए। यदि कूल कर रहे हैं तो कूल गाड़ी हो जाए तो इसका एसी आप बंद कर दीजिए। जनरली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ही देर में यदि आपकी गाड़ी हीट या कूल हो जा रही है तो उसके बाद आप एसी को बंद कर लीजिए। उसके बाद जब कुछ समय बाद आपको फिर ज़रूरत पड़ती है, देन आप एसी को ऑन कीजिए। तो चलिए पहले मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, देन मैं आपको इसके कंट्रोल्स जो भी बटन दिए गए हैं इनके बारे में एक एक करके बताता हूँ। तो पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी मेरे न्यूट्रल में है। तो फ्रेंड्स, जब हम ये पहला बटन इसका हम दबाते हैं तो जो इसके सेंटर में वेंट्स दिए गए हैं ये, और जो साइड में वेंट्स दिए गए हैं ये, इनसे एयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप देखिए, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो एसी इसका ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से ऑन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। सॉरी, अभी हीटिंग में होगा तो हीटर ऑन होगा, और कूलिंग में होगा तो एसी ऑन होगा। ये कूलिंग में है तो इसका एसी ऑन हो गया है। आप देखिए, तो ये हवा जो आ रही है यहाँ से, जो यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं और ये जो साइड के वेंट्स हैं, केवल यहीं से हवा आ रही है और जगह से हवा नहीं आएगी। इसके बाद अगर हम इस बटन को ऑन कर देते हैं तो वो बटन जो है पहला, ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। इसमें क्या होगा, सेंटर के वेंट से हवा आएगी, साइड के वेंट से भी हवा आएगी, और आपके पैरों पर भी आपको हवा महसूस होगी। तो दूसरा बटन जो है सेंटर से भी आएगी, साइड से भी आएगी और पैरों पर भी आएगी। जो तीसरा वाला बटन है, इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो इसमें केवल आपके पैरों पे हवा आएगी और कहीं पे नहीं आएगी। जो आप बैठे हैं आपके पैरों पे और जो यहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं उनके पैरों पे हवा आएगी और कहीं नहीं आएगी। जो नेक्स्ट बटन है, ये ब्लोअर की स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। अभी मैंने ब्लोअर की स्पीड सबसे कम रखी हुई है, यहाँ से ये बढ़ सकती है। ये देखिए मैक्सिमम स्पीड, आवाज़ आप सुन रहे होंगे, और इसको मैं कम कर देता हूँ। तो मैं इसको कम ही रखता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम ब्लोअर की स्पीड बढ़ाते हैं तो इसके कंप्रेसर का प्रेशर झेलने के लिए ना, जो आरपीएम है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। स्पीड बढ़ाएंगे तो आरपीएम ऊपर आएगा और आपको माइलेज कम मिलेगा। इसकी वजह से इसको कम ही रखिए, और एसी का यूज उतना ही कीजिए जितनी आपकी ज़रूरत है। तभी कहा जाता है ना, जब भी हम गाड़ी में एसी का यूज करते हैं तो माइलेज गिर जाता है। उसके बाद जो अगला स्विच है, देखिए, उसके बाद जो ये अगला स्विच है, ये है एसी को ऑन या ऑफ करने का स्विच है। मीन्स आप डायरेक्टली इसको घुमा के भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन फिर उस समय आपकी बैटरी की भी पावर कंज्यूम करता है। तो आप जब भी गाड़ी चलाएं तो इसको ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, इस बटन की बात कर लेते हैं। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसमें क्या होता है ना, ये डीफ्रोस्टर का काम करता है, यानी कि जो अंदर से भाप जमी रहती है उसको, आपकी विंडशील्ड में ना, गाड़ी के अंदर विंडशील्ड पे या शीशों पे, तो उसको हटाने का काम करता है। साथ साथ में आपके पैरों की तरफ भी ये एयर डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो पैरों की तरफ वेंट दिए गए हैं वहाँ से भी हवा आएगी और आपकी विंडशील्ड पर भी हवा जाएगी। अब ये बटन मैंने ऑन कर दिया, इसका टोटली जो काम है, आपकी विंडशील्ड पे जो भाप जमा है ना उसको पूरी तरीके से हटाएगा। यानी कि टोटली इसका एक ही काम है, डिफ्रोस्ट करना, जो भी भाप वगैरह होती है उसको वहाँ से हटाना। और ये टोटली इसका जो काम करने का तरीका है वो डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड पर आपका ब्लोअर जो है वो चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हम इस बटन को ऑन करते हैं, इसका काम होता है जो फ्रेश एयर होती है उसको सर्कुलेट करना, और इसको यहाँ से हम बंद भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको सर्कुलेशन नहीं चाहिए तो इसको ऑफ रखेंगे, सर्कुलेशन चाहिए तो इसको ऑन रखेंगे। और जो लास्ट में बटन है ऑफ, यानी कि इससे जो है हमारा एसी जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये सारे कंट्रोल्स जो हैं टाटा पंच मैनुअल एसी में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। तो यही वीडियो था इन कंट्रोल्स के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।